अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फटाफट से कर लें डेली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब मेरे चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, और इंस्टाग्राम पे भी कर लो मुझे फॉलो। और आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ अपनी थोड़ी सी मेकअप की, मतलब जो समर में जो मेकअप है विद SPF, ये बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है, काफ़ी आपको जो है इससे हेल्प होगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि हमें समर में जो है ना वो किस किस्म का मेकअप करना चाहिए। आप लोग काफी ज्यादा कमेंट्स करते हैं कि आपके पास मेकअप की जो कलेक्शन है वो काफी ज्यादा है, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने सोचा कि मेकअप से ही रिलेटेड जो है ना आप लोगों को कुछ चीजें बताती हूँ जिससे आप लोगों को भी फायदा हो, और साथ में कहते हैं जो जिस भी चीज का नॉलेज आपके पास हो ना आपको उसको दूसरों के साथ जो है वो जरूर शेयर करना चाहिए। तो मैंने सोचा आज जो है आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि मैं जो हूँ क्या चीजें यूज करती हूँ या क्या चीजें जो है ना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि आजकल समर है तो अपनी मैं थोड़ी समर रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, और कुछ चीजें ऐसी भी बताऊंगी जो आपको पाकिस्तान से ईजिली मिल जाएंगी और उनका रिजल्ट काफी अच्छा है। जैसे कि आप ये देखें, ये मैंने लिया था पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 500 रुपीज या 600 रुपीज का लिया था, ये विटामिन सी, और आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है ना वो खत्म हो गया है, और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। इससे मतलब आपकी ये तो नहीं होता है कि एक्स्ट्रा आप बिल्कुल फेयर हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो स्किन है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब जो माइनर से फेस पर दाग वगैरह होते हैं वो सब आपके रिमूव हो जाएंगे। तो एक ये चीज़ मुझे पाकिस्तान से मैंने ली थी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगी है। तो अब आ जाते हैं USA की तरफ, और ये आपको पाकिस्तान से भी मिल जाएगी। तो ये देखें, जैसे कि समर है और समर में हम लोगों ने अपने फेस पर कोई ना कोई जो है वो मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन लगानी ही होती है, तो ये बहुत अच्छा जो है मॉइस्चराइज़र है, और इसमें सनस्क्रीन भी आप देख सकते हैं कि 15 SPF जो है इसमें सनस्क्रीन है। इसके अलावा इस मैं डेली मतलब जब भी नमाज भी पढ़ूँ, वजू करूँ, तो उसके फ़ौरन बाद मैं ये लगा लेती हूँ। और सेकेंड चीज़ है ये BB क्रीम, ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल मतलब लाइट सी आपके फेस पर लगी हुई बिल्कुल भी पता नहीं चलती, और इसमें जो है SPF 20 है। तो आप लोग समर में कोई भी चीज़ लें तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि उसमें जो है वो SPF ज़रूर होना चाहिए, बल्कि विंटर में भी जो है वो होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मेरी कुछ फाउंडेशंस हैं जिनमें के समर की जो है वो अलग है और विंटर की जो है वो अलग है, और इनमें भी जो है SPF होते हैं, मैं आपके साथ अभी वो भी करती हूँ शेयर। जैसे कि ये देखें, जब कभी मैंने डे में कहीं बाहर जाना होता है, डे में मैंने लगानी होती है, तो ये मैट फिनिश में है, क्योंकि गर्मी होती है तो आपकी ऑलरेडी जो स्किन है वो थोड़ी सी हुई होती है, तो मैट मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर ऑयली हुई हो स्किन तो इसमें भी जो है SPF है, मतलब इसमें भी आपके जो है 15 SPF आपको इसमें मिल रहे हैं, 21 आपको BB क्रीम में मिल रहे हैं, 15 जो है आपकी सनस्क्रीन में है। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा धूप में जाना है तो फिर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, न्यूट्रोजीना का जो है ये सनस्क्रीन है, ये 100 SPF है। ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैंने बाहर जाना होता है, क्योंकि बाहर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वाली जो है वो गर्मी होती है। इसी तरह से आपके मॉइस्चराइज़र में, आपके फाउंडेशन में, हर चीज़ में जो है वो SPF होने चाहिए, बल्कि समटाइम अगर जो चैपस्टिक आप अपने लिप पर लगाते हैं तो वो भी डे में लगाने वाली और होती है, मैं भी आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस ड्रॉ में जो है ना ये सारी मेरी चैपस्टिक वाली हैं, सारी तो नहीं कह सकते मतलब कुछ हैं, लेकिन ये है जी चैपस्टिक जिसमें कि SPF है, ये आप देख सकते हैं ऐसे, ये देखें इसमें भी जो है SPF 15 है। ये मैं अगर डे में बाहर जाऊं तो पहले मैं ये लगा लेती हूँ, इसके ऊपर आप कोई सी भी जो है लिपस्टिक लगा लें, लिप ग्लॉस जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन अब तो लिपस्टिक्स भी ऐसी हैं जिसमें SPF हैं, तो इन चीज़ों का जो है थोड़ा सा समर में आई थिंक ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, तो आपकी जो स्किन है वो ख़राब नहीं होती। और बाकी यहाँ पर मेरे पास न्यूट्रोजीना की एक और भी है, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये दोनों जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है ये डे के लिए है क्योंकि इसमें SPF है, और नाइट में या जब आपको नहीं सनस्क्रीन की ज़रूरत तो फिर आप जो है ना सिंपल ये वाली जो हाइड्रा बूस्ट है ये लगा लें। दोनों जो है वाटर बेस्ड हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने मतलब एज ए सनस्क्रीन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या डे में गर्मियों में या सर्दियों में कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिर मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, और अगर विंटर है और घर के अंदर ही है तो धूप वाला कोई सीन नहीं है, या रात में लगानी है तो फिर मैं ज़्यादातर जो हूँ ये लगाती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा जो है वो मॉइस्चराइज़र है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, और आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूं ताकि आप लोगों को भी जो है वो पता चले और थोड़ा बहुत जो फ़ायदा है आप लोगों को भी हो जाए।
इसके अलावा समर में ना आप अपने फेस पर कोई भी मॉइस्चराइजर या कुछ भी लगाने से पहले एक दफा अपने फेस में ना इस तरह से स्प्रे कर लिया करें। ये रोज वाटर स्प्रे है, मैं बहुत ज्यादा रोज वाटर जो हूँ वो यूज करती हूँ क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, फायदे ही हैं जितने भी हैं। मतलब आपकी स्किन जो है ना वो भी हाइड्रेट रहती है, डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं होती है। और डिहाइड्रेशन से हमेशा आपकी जो स्किन है ना वो एक तो डल लुकिंग भी हो जाती है और लूज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप उसको हाइड्रेट रखेंगे तो आपकी स्किन जो है ना वो टाइट रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि समर स्पेशल हैं और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छी लगी है ये मेरी इन्फॉर्मेशन तो लाइक कर दो इस वीडियो को। और एक और बात, जैसे मैंने आपको ये फाउंडेशन दिखाई है कि इसमें SPF है, तो इसी तरह मेरे पास काफ़ी सारी फाउंडेशन है। जैसे कि ये देखें, ये जो बाम है ये भी जो है स्किन के लिए, इसमें भी सनस्क्रीन है, इसमें भी है। तो मतलब मेरे पास अगर है ना जितनी भी फाउंडेशन है तो उनमें से 50% ऐसी हैं जो विद SPF हैं जो कि मैं डे में यूज़ करती हूँ, और 50% ऐसी हैं जो कि नाइट के लिए हैं, तो उसमें जो है वो सनस्क्रीन नहीं है और SPF जो है वो भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरी कुछ थोड़ी सी जो है फाउंडेशन की कलेक्शन है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको देखना होगी तो फिर आप मुझे बताइएगा, मेरे पास और भी काफ़ी सारी फाउंडेशन हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर जब मेरी बर्थडे हुई थी उस टाइम पर मेरे हस्बैंड ने मुझे फ्लावर्स दिए थे, और अभी जो है ना बेचारे काफ़ी टाइम से मैं इनको देख रही थी, ये फ्यूज़ हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, लेकिन बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसको सारा जो है ना निकालने का। और टाइम मिले भी तो बस पता नहीं क्यों मुझे सुस्ती हो रही थी कि अब कौन निकाले। तो खैर इसके ये वाले जो लीव्स हैं ना ये सारे भी बिल्कुल ठीक है, तो इसको मैं सोचें कहीं और जो है रख देते हैं। और ये बाकी जो सब कुछ है ना ये सारा कुछ ही ख़राब हो गया, तो इसको पूरे के पूरे बुके को ना इसी तरह ही मैं उठा के और डस्टबिन में फेंक दूंगी। और सम टाइम ऐसा जो है ना वो हो जाता है कि आपको जो है लेज़ीनेस हो जाती है, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा जो है वो लेज़ीनेस हो रही थी। लेकिन आज फाइनली मैंने सोच लिया, पहले मैंने इसको इसी वाले वेज में डाले लेकिन वो वेज काफ़ी बड़ा था और अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने ये छोटा वाला जो है ना इसमें ये सारे जो लीव्स हैं क्योंकि लीव्स फ्रेश थे तो मैंने कहा इसमें जो है डाल देते हैं, जब ये बिल्कुल ही मर मुक जाएंगे ना फिर मैं इनको फेंकूंगी। और बड़े मुझे तो क्यूट लग रहे थे, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को भी अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो खैर जी अभी मैं यहाँ पर सारी जो हूँ अपने किचन की साफ़ सफ़ाई कर रही थी, और थोड़ी बहुत मैं सेटिंग जो हूँ ना चेंज कर देती हूँ जब भी सफ़ाई करती हूँ क्योंकि घर में ना एक डिफरेंट और थोड़ी सी जो है ना न्यू लुक आती है, और ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। मैं बहुत जल्दी ना फेडअप हो जाती हूँ एक ही रूटीन से, एक ही सिस्टम से, मेरी जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज मांगती है। खैर यहाँ पर सारे जो कारपेट रख जो भी कुछ नीचे था फ्लोर पे सब कुछ मैंने उठाया हुआ है, साथ ही साथ में यहाँ पर धोया धुलाई के काम चल रहे हैं। मैंने बताया आज किचन की जो है ना डीप क्लीनिंग का डे है, और सारी यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ। बच्चे जो हैं रायन अंदर रूम में, उसको टीवी लगा के दिया हुआ है, ईशाल जो है उसको मैंने स्ट्रॉलर पर बिठाया हुआ है, और यहाँ पर उसको उमर एंड हाना लगा के दिए हुए। साथ ही में मुझे खुद यहाँ पर जो है वो भूख स्टार्ट हो गई थी और मैंने कहा चलो चना चाट जो है वो भी बनाते हैं, साथ ही साथ इसको इंजॉय करते हैं। क्योंकि मैंने बताया मेरे साथ तो यही होता है, मैं जब भी काम करती हूँ ना मुझे इतनी शदीद भूख जो है ना वो लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मैंने चाट वो खाई, और उसके बाद यहाँ पर साथ ही में किचन में जो है ना वो बन रहा था खाना। और अक्सर ही मैंने बताया मैं अपने किचन में ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ क्योंकि फ्लोर जो है मैंने सारा धोया था, बड़ा ठंडा अच्छा लग रहा था। स्टिल जो है वो यहाँ पर गर्मी है, और इशाल को जो है मैंने टीवी लगा के दिया हुआ कि ये टीवी इंजॉय कर ले और मैं यहाँ पर जल्दी से जो ना असर की नमाज़ वो पढ़ लूँ। यहाँ पर असर जो है वो 5 बजे हो जाती है। और खाना जो था आज वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, सिंपल मैंने जो है आलू और गोभी बनाई थी, और ये काफ़ी इजी रहता है, बस ये मसाला भूनो और उसमें जो है गोभी डाल दो। वैसे भी अगर आपको मेरे ख्याल से खाना बनाना आ जाए ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता खाना बनाना। लेकिन जब नहीं आता था तो मैं कहती थी कि चावल उबालना भी ना एक बहुत बड़ा काम है। तो खैर जी यहाँ पर खाना शाना खा के हम लोग फ्री हो चुके थे, और अभी मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था ना कुछ मीठा खाने का मज़ेदार सा। और हमारे यहाँ पर एक बेकरी है जहाँ से कि बहुत अच्छा मीठा मिलता है, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे यहाँ हमारे पूरे जो टाउन की ना बेस्ट बेकरी है, यहाँ से बहुत अच्छी जो है वो चीज़ें मिलती हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोगों का प्लान बन गया कि चलें फिर चलते हैं और वहाँ से जाके और कुछ मज़ेदार सा जो है वो ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर हमेशा वॉलमार्ट वगैरह से ही चीज़ें मतलब केक और बिस्किट्स वगैरह लेके खाए हैं, लेकिन बेकरी से जो है वो मैंने खुद जाके कभी ख़रीद के नहीं खाए। हस्बैंड जो है वो ही काम से वापस आते हुए जो है बेकरी से कुछ ना कुछ ले आते हैं, लेकिन इस दफ़ा हस्बैंड ने कहा कि मैं जो हूँ बाहर ही रहूँगा, तुम अकेली जाना और अपनी पसंद से जाके जो भी मतलब तुम्हें लेना हो तो तुम ले लेना। तो मैं जा रही थी, इधर रायन ने शोर डाल दिया कि मुझे साथ जाना है, तो अभी हम लोग जाने लगे हैं बेकरी पे। ये यहाँ की ना मतलब बेस्ट बेकरी है, नंबर 1 बेकरी है,
तो यहाँ पर अंदर गई मैं, मैंने बताया मुझे वैसे तो केक्स वगैरह पाकिस्तान में तो किचन कुजीन के बहुत अच्छे लगते थे या बाकी भी अच्छे लगते थे, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या बात है मैं वैसा वाला टेस्ट ढूंढती हूँ और मुझे मिलता नहीं है। आज इसी पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पर आई थी कि यहाँ से जाके मैं कोई मज़ेदार सा जो केक है वो ट्राई करूँ, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था। लेकिन यहाँ पर वही मतलब प्रॉब्लम थी, वही सारे केक्स लग रहे थे जैसे कि दूसरे लगते हैं। और फिर मैंने सोचा, एक तो ये थी भी थोड़ी प्राइसी, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा प्राइसी थी, यहाँ पर $40-$50 का जो है एक केक था, जो कि यूजुअली आपको कहीं से भी आई थिंक $20 में मिल जाता है। और ये सारी कुकीज़ वही थी जो मेरे हस्बैंड अक्सर ही लाते रहते हैं और मैंने सभी ट्राई की हुई थी, और मैं कुछ डिफरेंट ढूंढ रही थी लेकिन मुझे यहाँ से जो है वो नहीं मिला। फिर एक चीज़ मुझे डिफरेंट जो है वो नज़र आ गई, फिर मैंने कहा ये जो साइडन है ये ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा ले लो ना खाना किसी ने भी नहीं होता है और सारे का सारा जो है वो वेस्ट ही जाना था। तो फिर मैंने यहाँ से जो है ना छोटी पेस्ट्रीज़ वगैरह वो ले ली थी कि इनको जो है ट्राई करते हैं, लेकिन अच्छी थी लेकिन किचन कुजीन का मुकाबला फिर भी उसने जो है वो नहीं की। बाकी यहाँ पर पाइस थे जो कि मेरा दिल नहीं था, मेरा जो प्योर केक कहना केक खाने का दिल था। लेकिन खैर यहाँ से मैंने ली हैं पेस्ट्रीज, ये कुछ अच्छी थी, जैसे कि पाकिस्तान में हमारे क्रीम पफ होता है ना इसका आलमोस्ट वैसा सा टेस्ट आई, तो ये दो मैंने ले ली थी अपने लिए, बाकी बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए जो है बिस्किट्स ले लिए थे क्योंकि उन्होंने कुकी नहीं खानी थी। तो खैर जी यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो इस वीडियो को, इसके बाद कर लो सब्सक्राइब मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी कर लो मुझे फॉलो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।